राज्य रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मंगलवार को आपदा प्रभावित क्षेत्र जोशीमठ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने आर्मी कैंप सहित नगर क्षेत्र के सुनील वार्ड, जेपी कॉलोनी और नरसिंह मंदिर गांधीनगर में क्षतिग्रस्त भवनों का निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से भी मिले। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार प्रभावित लोगों के साथ है, प्रभावित लोगों की हर तरीके से मदद की जा रही है। जोशीमठ आपदा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की खबर ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां से हर व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए उनको सुरक्षित स्थानों पर रखना हमारी पहली प्राथमिकता है ताकि कोई भी जान माल का नुकसान ना हो। हम सब लोग बहुत ही चिंतित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पल पल की खबर ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ दौरा करके चले गए हैं, चीफ सेक्रेटरी अपने पूरे अधिकारियों के साथ यहाँ कैंप किए हैं, आर्मी हमारी हर समय चौकन्ना है। इस समय हमारी पहली प्राथमिकता है जान माल की सुरक्षा करना, एक एक बच्चे को बचाना, हर परिवार को बचाना। थोड़ा कष्ट तो होगा, अपने किराए के मकान को छोड़ के मोहल्ले से जब जाते हैं तब भी हमको बहुत भावुक हो जाते हैं। हम लोग ये तो गाड़ी कमाई से मकान बनाए थे, खाली करने पड़े हैं, लेकिन ये जनहित में जानमाल बचाने के लिए करना पड़ रहा जो रहने लायक नहीं है।